हेलो, कैसे हैं फ्रेंड्स। अब हम सॉलिड स्टेट में नया एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड, और उसको बोला जाएगा डिफेक्ट इन सॉलिड। अब डिफेक्ट वर्ड्स जो है, आप किसे बोल सकते हैं कि मान लो कि कोई भी आप चीज़ बाज़ार में लेने गए हैं, या आपने कोई जीन्स खरीदी है, पैसे देने पर भी अगर वो जीन्स में कोई प्रॉब्लम निकलती है तो आप क्या बोलोगे उसको? डिफेक्टिव पीस क्या बोलोगे उसको? ये पीस जो है वो डिफेक्टिव, उसको क्या करना पड़ेगा? आपको चेंज करना पड़ेगा। तो एक नॉर्मली डिफेक्ट वर्ड हम हमारी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं कि ये डिफेक्टिव चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा है, प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, तो उसको हम डिफेक्ट ऐसा बोलेंगे। अभी डिफेक्ट वर्ड इज़ इन यूज इन सॉलिड सिस्टम, ठीक है। तो सॉलिड सिस्टम में डिफेक्ट वर्ड किस तरह से यूज़ किया गया है और इम्परफेक्शन वर्ड कैसे यूज़ किया गया है? नॉर्मली हमारे पास ये अरेंजमेंट होती है कि मान लो कि हम NaCl की कोई सिस्टम लेते हैं तो क्या होगा? Na+Cl- Na+Cl- Na+Cl-, पर बट कहीं से कोई पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन Na+ या Cl- अगर निकल गया होता है तो उसको बोलेंगे डिफेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? डिफेक्ट, ठीक है। अब डिफेक्ट क्या होती है, थोड़ा वर्डिंग और थोड़ा थियोरिटिकल भी हम देख लेते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शॉर्टर रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन अरेंजमेंट। ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव द शॉर्टर रेंज एज वेल एज द लॉन्गर रेंज ऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। मान लो कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, हम स्पीयर ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल में अरेंजमेंट, ठीक है, तो उसकी जो अरेंजमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अरेंजमेंट अगर अच्छी होगी तो डिफेक्ट नहीं होगी, बट अगर अरेंजमेंट कहीं कोई भी वजह से अरेंजमेंट कोई चेंज हो जाती है तो वो क्या हो जाएगी? डिफेक्ट। क्या हो जाएगा? डिफेक्ट। मान लो कि आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, 1 किलो आपने कोई भी चीज़ गेहूँ या चावल या कुछ भी खरीदा है, पर बट अगर वेट मेजरमेंट की डिफेक्ट होगी तो अगर आपका वेट उसमें कम आ रहा है, ठीक है, तो 9.5 kg आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? वो 0.5 की उसमें डिफेक्ट रहेगी। तो डिफेक्ट का मतलब क्या है कि सॉलिड में जो लॉन्गर रेंज में हमारे पास जो अरेंजमेंट होती है, हमने देखा था 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में देखा कि इसको यहाँ पे स्पीयर अटैचमेंट होते हैं, ठीक है, तो उस तरह से अरेंजमेंट वहाँ पे रहती है, ठीक है। क्रिस्टलाइन में भी देखा था हमने, तो ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, ठीक है, वो अरेंजमेंट फिक्स रहती है यहाँ पे। तो अरेंजमेंट अगर सही है तो कोई डिफेक्ट नहीं होगा, पर बट अरेंजमेंट करते टाइम पे अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो उसकी वजह से डिफेक्ट प्रोड्यूस होती है, उसको बोलेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा एक पोर्शन लेते हैं, तो व्हेन द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, अगर मान लो कि कोई भी सॉलिड आपको यहाँ पे NaCl है, कोई KCl है, कुछ भी आप यहाँ पे सॉलिड क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, व्हेन, समझना, व्हेन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस प्रोसेस इज अकर,
ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे होता है। अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अगर किसी भी वजह से, टेम्परेचर की वजह से अगर वो फास्ट हो गया, या टेम्परेचर की मिलने नहीं मिलने की वजह से वो स्लो रेट में चला गया, ठीक है, स्लो रेट में हो गया, उसकी वजह से अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा वहाँ पे, अरेंजमेंट में वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो वो प्रोसेस होती है, उसमें क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो अरेंजमेंट जो हो जाएगा उसमें क्या आ जाएगा, इरेगुलरिटी, क्या आ जाएगी हमारे पास, इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटीज आर प्रोड्यूस और इरेगुलरिटी आर इन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो अरेंजमेंट में क्या आ जाएगी, इरेगुलरिटीज वहाँ पे आपको दिखने को मिलेगी, और ये सब होने की वजह से आपको क्या हो जाएगा, वो जो सॉलिड ये प्रोसेस जो होगी उसमें हमको क्या मिलेगा, डिफेक्ट, क्या मिलेगी उसमें, डिफेक्ट, क्या मिलेगी, डिफेक्ट, समझ गए। तो कहने का मतलब डिफेक्ट कब प्रोड्यूस होगी आपकी, कि अगर कोई क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है जो उसका रेट अगर फास्ट हो जाता है या स्लो हो जाता है कुछ भी होने की वजह से, तो इरेगुलरिटीज, ठीक है, इरेगुलरिटी आर इन अरेंजमेंट, ठीक है, तो इरेगुलरिटी होगी तो ही उसमें क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिफेक्ट का यहाँ पे फंक्शन, कि डिफेक्ट किस तरह से आ रही है। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अगर फास्ट या स्लो या कोई भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है या कुछ अरेंजमेंट चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा हमारे पास, इरेगुलरिटीज आर इन अरेंजमेंट, मतलब आइडियल जो सिचुएशन है उसमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, आइडियल सिचुएशन में चेंज आ जाएगा और उसको बोलेंगे हम डिफेक्ट, डिफेक्ट इन सॉलिड, डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइजेशन और इम्परफेक्शन इन सॉलिड, ये सब वर्ड्स उसके हैं, ठीक है। अभी हम डिफेक्ट के हमारे पास यहाँ पे दो यहाँ पे टाइप्स यहाँ पे बताए हैं, ठीक है, तो देर इज ए टू टाइप, ठीक, टू टाइप ऑफ डिफेक्ट, देर इज अ टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। वन इज द पॉइंट डिफेक्ट, एंड द सेकेंड वन इज द लाइन डिफेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज द लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। चलो अब ये पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या होगा और लाइन डिफेक्ट मतलब क्या होगा ये हम समझ लेते हैं। चलो पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या होता है कि इरेगुलरिटी और द डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड द पॉइंट, ठीक है, तो इरेगुलरिटीज ऑफ द अराउंड द पॉइंट, ठीक है, अरेंजमेंट। तो ये पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट में क्या होगा और लाइन डिफेक्ट, ठीक है, हम समझ लेते हैं। यहाँ पे दो चीज़ एक साथ में यहाँ पे ले रहे हैं। चलो तो पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या होगा कि हमारे पास मान लो कि हमने ये अरेंजमेंट रखी है 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। तो मान लो कि हमने ये पॉइंट डिफेक्ट बनाने का ऐसा सोचा हुआ है, तो ये देखिए आप ये लाइन में सीधे लाइन में ऐसे सब यहाँ पे अरेंजमेंट स्पीयर है, एटम हमने अरेंजमेंट किए, बट ये जो हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल कर दूंगा तो वो हमारी आइडियल सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है, बट आइडियल सिचुएशन नहीं, मैं यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट के आसपास हमारे पास यहाँ पे इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। इरेगुलर मतलब यहाँ पे एक स्पीयर नहीं है, कम है, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा पॉइंट डिफेक्ट, क्या बन जाएगा, पॉइंट डिफेक्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द इरेगुलरिटी, ठीक है, दिस और डेविएशन फ्रॉम आइडियल
आइडियल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट अराउंड द पॉइंट। चलो तो इसकी डेफिनेशन ये है, द इरेग्युलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड द पॉइंट। तो ये पॉइंट के आजू बाजू के यहाँ पे जो स्पीयर है, एटम्स है, उसमें कुछ इरेग्युलरिटी दिखती है। देखो अगर आप यहाँ से एक स्पीयर होता है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, रेगुलर शेप, आइडियल शेप होगा। मान लो कि यहाँ पे अपने ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये जो हम बना रहे हैं, तो ये क्या बन गया है, एक परफेक्ट, क्या बन रहा है, परफेक्ट, ये बन रहा है आइडियल सिचुएशन। क्या बनेगी, आइडियल सिचुएशन, ये क्या बन गया, आइडियल सिचुएशन। इसमें कहीं भी जगह पे कोई भी स्पीयर और एटम रिमूव नहीं हुआ है, उसकी मिस अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं हुई है, अरेंजमेंट चेंज नहीं हुई, बट ऐसा एक स्पीयर यहाँ पर नहीं है। नहीं है मतलब एक पॉइंट के आसपास कोई एक स्पीयर नहीं है। तो द इरेग्युलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड द पॉइंट, दैट इज नोन एज अ पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट के आजू बाजू में कोई एक एटम स्पीयर नहीं है, और वो किसकी वजह से नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होने की वजह से, और उसकी वजह से क्या हो गया, इरेग्युलरेशन हो गया, और इरेग्युलरेशन हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी लाइन डिफेक्ट मतलब क्या होगा, चलो लाइन डिफेक्ट मतलब एक सिंपल चीज है, इरेग्युलरेशन और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट, ठीक है, और आइडियल अरेंजमेंट ऑफ द एंटायर रो, बस खत्म हो गया इन लेटेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि हम लाइन डिफेक्ट कर रहे हैं, तो लाइन डिफेक्ट में मान लो कि चलो हमने लिखा ये आइडियल सिचुएशन, आइडियल अरेंजमेंट होगा, तो ये क्या होगा, सर्कल सभी एक ही लाइन में होंगे, ठीक है, एक ही लाइन में होंगे, तो ये होगा आइडियल सिचुएशन। बट लाइन डिफेक्ट लेनी है, क्या लेनी है हमको, लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन डिफेक्ट हमारे पास, मान लो कि हमारे पास एक लाइन है, और लाइन में हमारे पास एक जगह पे यहाँ पे स्पीयर नहीं है, ठीक है, और एक स्पीयर हमने रख दिया है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, डिफेक्ट, क्या हो गया, डिफेक्ट। ये जो हमको मिलेगा दैट इज नोन एज ए डिफेक्ट, क्या मिलेगा, डिफेक्ट। ये आइडियल सिचुएशन एन ए प्लस सी एल माइनस 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 कंटिन्यूस चलता रहेगा, बट उसकी जगह पे एन ए प्लस सी एल माइनस फिर एन ए प्लस फिर सी एल माइनस यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या होगा, डिफेक्ट, क्या होगा, डिफेक्ट, दैट इज नोन एज अ लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो देर इज अ लाइन, इन दिस लाइन डिफेक्ट द इरेग्युलरिटीज, द इरेग्युलरिटीज irregularities or deviations from ideal arrangement around the or in entire row ऑफ लेटाइस पॉइंट। ठीक है, तो इरेग्युलरेशन और द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इंटायर रो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। चलो पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट, पॉइंट के आसपास एटम नहीं है तो वो डिफेक्ट बन गया है, लाइन के अंदर एटम नहीं है, स्पीयर नहीं है, तो वो डिफेक्ट बन गया। द इरेग्युलरिटीज और द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो, ठीक है, तो ये हो गया टाइप ऑफ डिफेक्ट में पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। नाउ वी ड्रॉ अ शॉर्ट चार्ट, ठीक है, अब उसका एक छोटा सा एक चार्ट बना रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि किस किस तरह से डिफेक्ट और ये डिफेक्ट के बारे में बताया गया है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। Defect in solid.
ठीक है। अब डिफेक्ट इन सॉलिड में आपने पहले ही देख लिया दो चीज, एक हुआ पॉइंट डिफेक्ट और एक हुआ लाइन डिफेक्ट, ठीक है। तो टू पार्ट्स यहाँ पे पहले हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि एक है पॉइंट डिफेक्ट ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट आपने देख लिया, डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड द पॉइंट, ठीक है। तो डेविएशन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेविएशन ऑफ, डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड द पॉइंट, और ये हो जाएगा डेविएशन ऑफ द आइडियल अरेंजमेंट इन द एंटायर रो ऑफ लेटाइस पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट में हमारे पास और तीन पॉइंट आएंगे इस डिफेक्ट के बारे में, और तीन पॉइंट में भी यहाँ पे देखना है। ये छोटा सा चार्ट है वो आप देख सकते हैं। एक है इसमें आएगा स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। दूसरा एक यहाँ पे है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। और तीसरा एक यहाँ पे है स्टोइकियोमेट्री, और यहाँ पे नॉन स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में और तीन चीज यहां पे देखना है, ठीक है। चलो अभी स्टोइकियोमेट्री में हमारे पास नॉन आयोनिक और आयोनिक, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री में भी हमको दो डिफेक्ट यहाँ पर देखने मिलेगी, एक है वैकेंसी, वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा यहाँ पे है इंटरस्टाइल डिफेक्ट, इंटरस्टाइल डिफेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास ये इंटरस्टीयल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट जो है वो हो जाएगा नॉन आयोनिक, इट इज एन नॉन आयोनिक, इट इज एन नॉन आयोनिक। और ऐसे ही वैकेंसी के जैसे ही हमारे पास दो डिफेक्ट है, ठीक है, कि एक हमारे पास होगा फ्रैंकल और एक होगा हमारे पास शोटकी। तो अब इसमें आगे एक पॉइंट और है जो है शोटकी, शोटकी डिफेक्ट, और ये हो जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट, एंड दिस बोथ ऑफ दिस डिफेक्ट इज आयोनिक डिफेक्ट एंड इज इन आयोनिक सॉलिड, दिस डिफेक्ट इज प्रोड्यूस इन आयोनिक सॉलिड, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफेक्ट इन सॉलिड उसमें हम ले रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा, एक पॉइंट के आजू बाजू डेविएशन होता है, ठीक है, इन आइडियल सिचुएशन।
लाइन डिफेक्ट में हमारे पास एंटायर जो लाइन होती है रोज होती है उसमें एक डिफेक्ट रहता है। उसके बाद पॉइंट डिफेक्ट के यहाँ पे 3 पॉइंट, स्टोइकियोमेट्री, इम्प्योरिटी और नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। उसके बाद हमारे पास ये हो रहा है वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टाइल डिफेक्ट। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टाइल डिफेक्ट जो है वो नॉन आयोनिक हो जाएगा, बट जो वैकेंसी डिफेक्ट के जैसा ही है, ठीक है, बट वो होगा एक आयोनिक सॉलिड में, तो दैट इज नोन एज अ शोटकी डिफेक्ट, और ये हो जाएगा फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो फ्रेंकल डिफेक्ट और शोटकी डिफेक्ट जो होगा वो आयोनिक सॉलिड में यहाँ पे आ जाएगा। अब नॉन स्टोइकियोमेट्री में चलते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्री में अभी हमारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है, एक है मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और ये है मेटल डेफिशिएंट। मेटल एक्सेस मतलब हम जो पॉइंट में आगे कुछ ऐसे 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक्सेस है, सफिशिएंट है, किस तरह से है, मेटल डेफिशिएंट, तो मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। ठीक है, तो ये मेटल एक्सेस में भी है और एक मेटल डेफिशिएंसी में भी आपको ये नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में 2 पॉइंट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, तो मेटल एक्सेस में भी पॉसिबिलिटी है कि किस तरह से मेटल एक्सेस होता है, तो उसके हिसाब से भी हमारे पास डिफेक्ट बन जाता है, और मेटल डेफिशिएंसी, ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी के हिसाब से भी हमारे पास यहाँ पे ये नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक यहाँ पे होता है अपना डिफेक्ट इन सॉलिड्स, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, और उसमें है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और उसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ठीक है, और यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टाइल डिफेक्ट, और उसके साथ में शोटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये दोनों जो हो जाएंगे वो नॉन आयोनिक हो जाएंगे, और ये दोनों जो हो जाएंगे वो आयोनिक सॉलिड में यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके यहाँ पे छोटा सा एक चार्ट है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये लाइन पॉइंट, और ठीक है, तो इसमें पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, फिर स्टोइकियोमेट्री, इम्प्योरिटी, ठीक है, और इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्री। कभी कभी आप सोच सकते हैं कि ये डिफेक्ट कभी यूजफुल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ, ये डिफेक्ट कभी कभी यूजफुल भी हो सकता है, क्योंकि अगर इम्प्योरिटी की वजह से, मान लो कि आप कोई मेटल मिक्स कर रहे हो, जैसे कि हमने क्रोमियम और आयन, आयन Fe मतलब Cr, ठीक है, और Fe मतलब हमारे पास आयन है और क्रोमियम मतलब Cr, ठीक है, तो उन दोनों को अगर मिक्सर करते हैं तो वो एलॉय बन जाती है। क्या बन जाती है? वो एलॉय, और वो एलॉय बनेगी तो वो हमारे पास वो बनेगी स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस स्टील जो बनेगी वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये कभी कभी ये डिफेक्ट हमारे पास यूजफुल भी रहती है, और कभी कभी ये हमारे पास यूजफुल भी नहीं रह सकती है। जैसे कि स्टील बन जाने के बाद उसका कोरोजन नहीं होता है, बट अगर अकेला आयन होगा तो उसका कोरोजन पॉसिबल है, बट अगर आप उसको आयन प्लस क्रोमियम को मिक्स करके ऐसी कोई मिक्स मेटल बना रहे हो, ठीक है, एलॉयस बना रहे हो, तो आपको इस तरह की डिफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है उसको, यहाँ उसके वेट के मेजरमेंट पे उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास डिफेक्ट और डिफेक्ट के टाइप्स। ठीक है, तो पॉइंट है डिफेक्ट इन सॉलिड, ठीक है, और उसके टाइप ऑफ डिफेक्ट। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया टाइप ऑफ डिफेक्ट। लेट वी स्टार्ट नाउ टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट में से हमारे पास है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब क्या होता है कि अगर ऐसी कोई डिफेक्ट हो, पॉइंट डिफेक्ट हो या कोई भी आयोनिक डिफेक्ट हो, बट उसमें स्टोइकियोमेट्री बैलेंस उसमें रहना चाहिए। स्टोइकियोमेट्री बैलेंस रहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि आयोनिक है तो उसमें जितने पॉजिटिव आयन्स है उतने ही वहाँ पे नेगेटिव आयन्स मौजूद होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे स्टोइकियोमेट्री। क्या बोलेंगे? स्टोइकियोमेट्री। कोई भी इक्वेशन आप ले लो तो इक्वेशन में भी आप देख सकते हो कि स्टोइकियोमेट्री क्या है। तो स्टोइकियोमेट्री मतलब बैलेंसिंग, क्या होगा? बैलेंस मतलब उसके आयन्स जो होंगे वो बैलेंस रहेंगे। ठीक है, दैट इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। ठीक है, तो देर आर द पॉइंट डिफेक्ट और डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री ये बता रहा है कि भी अगर आप
किसी भी तरह से उसमें डिफेक्ट देखते हो, बट उसका कुछ बैलेंसिंग, या आप आयोनिक बैलेंसिंग देखो, ठीक है, और या आप इलेक्ट्रिकल चार्ज उसमें देखेंगे, तो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। चलो, अब स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में हमारे पास 3 पॉइंट हमने देखे अलग अलग से, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्री। चलो, अब स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में हम आगे बढ़ते हैं, दो टाइप है इसमें, ठीक है, जिसमें नॉन आयोनिक की बात कर रहे हैं, नॉन आयोनिक टॉपिक है उसमें, नॉन आयोनिक में देखेंगे हमारे पास कि भी, चलो नॉन आयोनिक टॉपिक है, नॉन आयोनिक सॉलिड, और नॉन आयोनिक सॉलिड में हमारे पास दो डिफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी, एक है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरी है हमारे पास इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। ठीक है, तो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, तो यहाँ पे थोड़ा ये देखना है कि भी वैकेंसी डिफेक्ट कैसे बन रही है, और ठीक है, और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट यहाँ पे कैसे बन रही है। लेट वी स्टार्ट हियर, फर्स्ट वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी मतलब क्या, जो वैकेंसी मतलब क्या हुआ, कोई भी जगह देखते हैं कि भी कोई जॉब में वैकेंसी निकली है, कहीं पे कुछ वैकेंसी, वैकेंसी मतलब वहाँ पे कुछ निकल जा रहा है, क्या निकल रहा है, कुछ वहाँ पे निकल जाए, तो यही हमारे पास वर्ड्स है वैकेंसी डिफेक्ट। चलो ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं किस तरह से यहाँ पे बताया गया है। कोई भी सिस्टमेटिक एक अरेंजमेंट रहती है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट रहती है, उसे हम आइडियल अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडियल अरेंजमेंट। जैसे कि हमारे पास ये स्पीयर यहाँ पे अरेंजमेंट करके हमने रखे हुए, ये स्पीयर को हमने यहाँ पे अरेंजमेंट करके रखे हुए हैं, चलो ठीक है, और दूसरा ये एक स्पीयर हम यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं, चलो तो इन दोनों में से आपको किस में डिफेक्ट लग रही है, सोचने की बात है। ये रेगुलर अरेंजमेंट है और ये बन गई इरेगुलर अरेंजमेंट। इसमें से यहाँ पर से एक स्पीयर नहीं है, यहाँ पर से एक स्पीयर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, वैकेंसी, क्या हो गया उसमें, वैकेंसी हो गई उसमें, ठीक है। तो ये जो है हमारा आइडियल अरेंजमेंट है, आइडियल अरेंजमेंट, और यहाँ पर अगर आपको कोई स्पेस दिख रही है, कोई वैकेंसी दिख रही है, मतलब आइडियल अरेंजमेंट में अगर एक जगह पे, ठीक है, यहाँ पे वैकेंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अभी वैकेंट स्पेस, ये हो गया वैकेंट, ठीक है, द सम लेटाइस साइट इज वैकेंट, लेटाइस साइट इज वैकेंट, लेटाइस साइट इज वैकेंट, ठीक है, तो ये बन गया और ये बन गया, ये क्या हो गया, वैकेंट, दैट इज नोन एज अ वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो अब हम उसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे साथ में, व्हेन सम ऑफ द लेटाइस साइट्स आर वैकेंट इन द क्रिस्टल सॉलिड और सिस्टम, दैट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट।
वैकेंसी डिफेक्ट होने की वजह से इसमें यहाँ पे पार्टिकल है, सब पूरे पार्टिकल है, इसमें यहाँ पर और यहाँ पर पार्टिकल नहीं है, एटम नहीं है, स्पीयर नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो, वो नहीं है, नहीं है, इसका मतलब उसमें डिफेक्ट हो गया है। अब क्या हुआ, चलो नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें ज़्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें कम हो गए, तो एज अ रिजल्ट डिक्रीजिंग इन द डेंसिटी ऑफ सन, ठीक है, तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट और दिस रिजल्ट इज रिजल्ट इन डिक्रीजिंग इन डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंट, ठीक है, तो सब्सटेंस की क्या करेगा, वो डेंसिटी डिक्रीज कर देगा, क्या कर देगा, डिक्रीज इस सब्सटेंस की डेंसिटी और इस substance. सिंपल सी बात है, मान लो कि आपने बाजार में जाके 500 ग्राम कोई पैड अपने कोई खाने की चीज़ या मिठाई अपने ली है, पर इसमें से दो दो तीन चीज़ आप खा लेते हो रास्ते में और घर पे जाके बताओगे कि 500 ग्राम है ये, तो क्या बोलेंगे, ये 500 ग्राम नहीं हो सकता है, कम है, तो क्या हो गया, वो डिफेक्ट हो गए। सेम यही चीज़ है कि द रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी, क्या हो गया, व्हेन द सम ऑफ द लेटाइस साइट्स आर वैकेंट, मतलब वो निकल जाएंगे कुछ न कुछ वजह से, ओवर हीटिंग होने की वजह से, स्लो हीटिंग होने की वजह से वो निकल जाएंगे इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, देयर इज नोन एज अ वैकेंसी डिफेक्ट और डिक्रीजिंग इन डेंसिटी, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी भी वहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, और दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो डेवलप्ड बाय हीटिंग, ठीक है, दिस डिफेक्ट can also developed, ठीक है, develop when a substance is heated, ठीक है, तो ये हीटिंग नॉर्मल अगर यहाँ से कोई बर्नर से हीटिंग करेगा तो ये इसकी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, चेंज, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल या पार्टिकल एटम कुछ भी जो है वो स्लिप आउट हो गया, यहाँ पे चला जाएगा, तो ये डिफेक्ट क्या होती है, उसमें चेंज हो जाएगी, व्हेन द डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप, ठीक है, डेवलप व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, ठीक है, तो सब्सटेंस को अगर हीट करेंगे तो ये डिफेक्ट बढ़ सकती है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। अब हम देख रहे हैं इंटेस्टाइनल डिफेक्ट, नाउ वी स्टार्ट हियर इंटेस्टाइनल डिफेक्ट, ठीक है, तो उसके पहले थोड़ा एक डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद उसको समझना है किस तरह से ये इंटेस्टाइनल डिफेक्ट होगा, बढ़ेगा कि कम होगा कि क्या हो रहा है इसमें। व्हेन सम कंस्टिट्यूट पार्टिकल particle like atoms or molecule occupy an interstitial site the crystal is said to have interstitial defect. अब यहाँ पे एक डेफिनेशन के हिसाब से देखने, व्हेन द सम कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एटम्स आर ऑक्यूपाई इन इंटरस्टियल साइट, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वो इंटरस्टियल डिफेक्ट बन जाएगा। जैसे कि नॉर्मल हम एक चीज़ देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे कुछ एटम्स यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट करके रखेंगे, ठीक है, ये एटम्स ये हमने यहाँ पे अरेंजमेंट करके कुछ रखा हुआ है,
तो ये क्या हो गया, एक हमारी आइडियल सिचुएशन हो, क्या हो गया अभी ये आइडियल। इसमें नहीं आपको लाइन डिफेक्ट देखने को मिलेगी, इसमें नहीं आपको कोई पॉइंट, देखो यहाँ पे अगर आपको लाइन डिफेक्ट देखना है, इस एटम को हटा दो यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, लाइन डिफेक्ट, मतलब एक यहाँ पे नहीं है, एक स्फीयर नहीं है। चलो अगर इसमें के देखना है, अगर इस पॉइंट को यहाँ पे हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट डिफेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। चलो अगर इसी में से अगर एक दो स्पीयर यहाँ से निकल गया, तो वो बन गया वैकेंसी डिफेक्ट। एक ही चीज़ में हम सब समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये इंटरस्टाइल डिफेक्ट क्या होगा, कि वैन द सम कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, पार्टिकल लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल आर द ऑक्यूपाई एंड इंटरस्टाइल साइट, ठीक है, आर द ऑक्यूपाइड इन द इंटरस्टियल साइट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे इंटरस्टियल साइट में, मतलब ये यहाँ पे वैकेंसी कोई जगह है, स्पेस है, उसमें कहीं भी कोई भी एक स्पीयर और एटम यहाँ पे आ जाएगा। एटम जो है वो हम सर्कल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि इस जगह पे कोई एक, हमारे पास कोई एक एटम आके यहाँ पे स्पेस जो है उसमें रुक जाता है, ठीक है, उसमें रुक जाता है। तो हमारी जो रेगुलर अरेंजमेंट थी, रेगुलर जो हमारे पास अरेंजमेंट और आइडियल अरेंजमेंट थी, उसमें एक एटम आके यहाँ पे रुक जाता है, ठीक है, ऑक्यूपाइंग इंटरस्टाइल साइट, ठीक है। तो एक कोई भी जगह पे यहाँ पे आके एक रुक जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि ये डिफेक्ट हमारे पास प्रोड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है। तो कहीं भी आप ऐसे अरेंजमेंट करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, तो ये इस तरह से हमारे पास अरेंजमेंट हो जा रहा है, ठीक है, ऑक्यूपाई इन इंडस्ट्रियल साइट, ठीक है। एटम इज ऑक्यूपाई इन इंडस्ट्रियल साइट, ठीक है, दिस प्रोड्यूस इज इंटरस्टाइल डिफेक्ट। अब आप सोचोगे कि आपकी जो आइडियल थी, आइडियल अरेंजमेंट थी, ये आइडियल अरेंजमेंट थी, उसमें पार्टिकल बढ़े हुए कि कम हुए हैं, उसमें एटम बढ़ गए हैं कि कम है, तो एटम इसमें बढ़े हैं, एटम ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ एटम जो है उसकी यहाँ पे नंबर ऑफ एटम वो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये डिफेक्ट क्या होता है कि इंक्रीजिंग द डेंसिटी, मैं डेंसिटी की ओर जा रहा हूँ, तो क्या होगा, ड्यू टू इंटरस्टाइल डिफेक्ट, ठीक है, तो हमारे पास पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी इंक्रीज, नंबर ऑफ एटम विल बी इंक्रीज, सो इसका रिजल्ट क्या होगा, दिस डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंट, ठीक है। तो सब्सटेंस की हमारे पास डेंसिटी क्या होगी, इसमें इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंट, तो इंटरस्टाइल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज होगी, वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होगी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि दो डिफेक्ट हो गई, दो डिफेक्ट में हमारे पास एक वैकेंसी डिफेक्ट और ये हो गए एक इंटरस्टाइल डिफेक्ट। मान लो कि आपके क्लास में आप बैठे हो, उसमें मान लो कि आप अकेले बैठे हो, तो वो है वैकेंसी, के पास क्या है, वैकेंट, आपके पास वैकेंट जगह है, ठीक है ना। पर अगर आप में आपके अगर बेंच पे अगर चार आप बैठे हो और उसमें दूसरा एक आके उसमें बैठ जाता है, ठीक है, आप चार पर्सन उस एक बेंच पे बैठे हो और दूसरा एक चार एक पर्सन आके बैठ जाता है, तो वो क्या होगा, इंटरस्टाइल, क्या होगा, इंटरस्टाइल डिफेक्ट। आपके चार के साथ एक दूसरा आके बैठ गया, मतलब नंबर ऑफ फाइव स्टूडेंट कितने हो गए, फाइव स्टूडेंट यहाँ पे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आप में ये डिफेक्ट और उसको आप में बैठने में क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दिक्कत उसमें लगेगी। तो दो चीज़ हो गई यहाँ पे, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टाइल डिफेक्ट, ठीक है। इंटरस्टाइल डिफेक्ट क्या होगा, इंक्रीजिंग द डेंसिटी, और कोई भी स्पेस और कोई भी जगह पे यहाँ पे इंटरस्टाइल साइट में एटम यहाँ पे आके रुक जाएगा, दैट इज नोन एज इंटरस्टाइल डिफेक्ट। और यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि ये स्पीयर यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ से ये स्पीयर निकल गया, यहाँ से ये स्पीयर निकल गया, यहाँ से ये स्पीयर निकल गया, तो वो हो गया वैकेंसी डिफेक्ट, क्या हो जाएगा, वो हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट बन जाता है। तो यहाँ तक रखते हैं दोस्तों, ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना इसको, और कोई भी डिफिकल्टी हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।